हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। सो फ्रेंड्स, दिस इज आवर माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक। इसके साथ साथ हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप पेपर और पेन लेके बैठ जाइए, ताकि आप स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के बारे में नोट्स निकाल सकें। ठीक है, तो ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है जो मैंने खुद ने निकाले। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना हो तो अभी हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का इंट्रोडक्शन। तो ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम क्या देखने वाले हैं, स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन मतलब क्या है। ठीक है, तो ये हम इंट्रोडक्शन में देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं आज मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, क्या देखने वाले हैं आज हम, इंट्रोडक्शन जिसमें हम देखने वाले हैं स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन क्या है, उसके बाद देखेंगे हम मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारे मेथड्स है स्टेरिलाइजेशन के, उसका डिस्क्रिप्शन हम डीप में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं स्टेरिलाइजेशन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन मतलब क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल, सरफेस और मीडियम इज मेड फ्री ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आइदर वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म। तो स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, एक प्रोसेस, उसमें क्या होता है, हमारा आर्टिकल जो रहता है, हमारा सरफेस रहता है और हमारा जो मीडियम रहता है, उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करते हैं। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइदर वेजिटेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा और आइदर स्पोर फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो ये क्या हो गया, हमारा स्टेरिलाइजेशन का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम देखने वाले हैं डिसइंफेक्शन। ठीक है, डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन एकदम सिंपल है। डिसइंफेक्शन मतलब क्या, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजन। ठीक है, डिसइंफेक्शन मतलब क्या, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजन और ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन। तो ठीक है, डिसइंफेक्शन के बारे में अभी हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन के कौन कौन से मेथड है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन के टू मेथड्स है। पहली जो मेथड है वो है हमारी फिजिकल मेथड, और सेकेंड जो है वो है हमारी केमिकल मेथड। ठीक है, कौन कौन से मेथड है, दो मेथड से। पहली है हमारी फिजिकल मेथड और सेकेंड है हमारी केमिकल मेथड। ठीक है, फिजिकल मेथड में हम कौन कौन सी मेथड यूज़ करते हैं, सनलाइट और हीट। हीट के टू टाइप्स यूज करते हैं हम। पहली जो टाइप यूज़ करते हैं वो है हमारी ड्राई हीट, और सेकंड जो है वो है हमारी मॉइस्ट हीट। ठीक है, उसके बाद फिजिकल मेथड में तीसरा टाइप आता है हमारा ओजन। ठीक है, फोर्थ टाइप आता है हमारा फिल्ट्रेशन, और फिफ्थ लास्ट आता है हमारा रेडिएशन। ठीक है, ये कौन से मेथड हो गए हमारे, फिजिकल मेथड। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, सेकंड जो टाइप है हमारा स्टेरिलाइजेशन का वो है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम क्या क्या देखते हैं, अल्कोहल, अल्डिहाइड्स, फिनॉल्स, हैलोजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, साल्ट, सरफेस एक्टिव एजेंट्स, डाइज और गैसेस। क्या क्या देखते हैं हम केमिकल मेथड में, अल्कोहल, अल्डिहाइड्स, फिनॉल, हैलोजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, साल्ट, सरफेस एक्टिव एजेंट्स, डाइज और गैसेस। ये कौन सी मेथड है हमारी, केमिकल मेथड, इसमें हम ये केमिकल देखते हैं। ठीक है, तो कितने मेथड है हमारे, टू मेथड, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन हम डीप में हम उसको अभी आने वाले वीडियो में देखने वाले आने वाले वीडियो में एक एक करके वीडियो बनाऊंगा। थर्ड जो वीडियो होगी हमारी वो होगी केमिकल मेथड पे। ठीक है, तो हमने आज की वीडियो में क्या क्या देखा, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, उसका इंट्रोडक्शन कि स्टेरिलाइजेशन क्या है और डिसइंफेक्शन क्या है। तो इन शॉर्ट, स्टेरिलाइजेशन में क्या करते हैं, हम आर्टिकल, सरफेस, मीडियम को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करते हैं, और डिसइंफेक्शन में क्या करते हैं, हम पैथोजन को इन्फेक्शन प्रोड्यूस में पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन, कितने मेथड आते हैं, दो मेथड आते हैं। पहली कौन सी है, फिजिकल मेथड, और सेकंड कौन सी है हमारी, केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में कौन कौन से टाइप देखे हमने, सनलाइट, हीट, हीट के टू टाइप, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। ठीक है, उसके बाद देखा ओजन, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन। केमिकल मेथड देखा हमने, उसके बाद उसमें कौन कौन से केमिकल यूज किया हमने, अल्कोहल, अल्डिहाइड्स, फिनॉल, हैलोजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, साल्ट, सरफेस एक्टिव एजेंट, डाइस और गैसेस। ठीक है फ्रेंड्स, और हमने इस वीडियो पे लाइक्स का टारगेट रखा है 10 लाइक्स। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। ठीक है, थैंक यू।